जय हिंद। आइए दोस्तों देखते हैं, आज हम कराने वाले हैं अर्धव्रत की आकृति से संबंधित कुछ प्रश्न से लिखाए हैं, कुछ मैंने यहाँ पर आकृतियाँ दी हैं, हम इनका आंसर बहुत बेहतर तरीके से बहुत कम टाइम में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देखें पूरा। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हम इसको समझते हैं। लेकिन दोस्तों इसको आंसर निकालने से पहले जो ये छायांकित भाग है, इस भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं यहां से और मैं एक आकृति लेके आपको समझा देता हूं कि दोस्तों यहां पर कोई अर्धवृत्त दे रखा है और इस अर्धवृत्त की अगर हम बात करते हैं तो अर्धवृत्त में कोई यहाँ पर एक अर्धवृत्त दूसरे दे रखे हैं, इसके यहाँ पर अंदर बात कर रहे हैं, और एक यहाँ पर कोई वृत्त दे रखा है। यदि कोई कंडीशंस ऐसी दी होती है और इसकी त्रिज्या यदि आर दे रखी है ये वाली, और यदि इसकी त्रिज्या की हम बात करते हैं, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, स्मॉल आर दे रखी है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए या इसमें जो खाली स्थान है इसका हमसे क्या पूछा जाए, यहाँ पर एरिया पूछा जाए अर्थात क्षेत्रफल पूछा जाए, तो हम किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखो तो थोड़ा सा यहाँ से हम इस पॉइंट को यहाँ से इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद आप देखेंगे इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर इस पार्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है एक आपका समकोण त्रिभुज। कैसा बन जाता है, समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों आप यहाँ देखो कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये वाली, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगी कैपिटल आर माइनस का आर, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाली जो दूरी होगी वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। जबकि हम बात करते हैं कि नीचे वाली दूरी की, तो ये कितनी हो जाएगी, आर बटा कितना हो जाएगा, दो, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है आर। तो इस वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, ये व्यास, तो व्यास होगा तो इसको आधा हम कर लेंगे। और यदि हम बात करते हैं कि अब हमें इस वाले पॉइंट को अगर निकालना हो तो ये कितना होगा, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो हम इसके बीच में एक संबंध निकालते हैं कि छोटा वृत्त और इस बड़े वृत्त के बीच के त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होगा, इस संबंध को हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वाली दूरी कितनी होगी, दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कैपिटल आर, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, तो त्रिज्या आप जानते हैं कितनी होगी कि आर बटा दो, और माइनस प्लस आप यहाँ से देखेंगे तो स्मॉल आर की त्रिज्या होगी, तो प्लस आप बोलेंगे इसमें स्मॉल आर। तो कहने का मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे कि आर बटा दो प्लस आर का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस लंब का और आधार के वर्ग के बराबर। तो ये लंब कितना दे रखा है, आर माइनस आर का वर्ग और प्लस यहाँ से आर बटा दो का वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्या में कोई संबंध निकालते हैं तो बहुत आसान तरीके से हम इसको कर लेंगे। देखते हैं यहाँ से क्या निकालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आर की घात दो और बटे में इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा चार प्लस यहाँ से आर स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणा का दूना, बराबर यहाँ से देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर हो जाएगा, प्लस यहाँ से आर की पावर टू अपॉन फोर हो जाएगा, इससे इसकी ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर बचेगा टू आर बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस प्लस का आर स्क्वायर ये बचेगा और यहाँ से माइनस का 2R बचेगा। दोस्तों इसमें कैपिटल R से हम भाग देंगे तो बचेगा 2R बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका, अच्छा बटे में यहाँ दोस्तों क्या है, दो और लगा हुआ था तो दो से आप इसमें कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका ये दो खत्म हो जाएगा। R से हमने भार देते हैं, इसमें R बचेगा कैपिटल और यहाँ से बचेगा आपका 2R स्मॉल। इस 2R को इधर लाएंगे तो R की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, R बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं, सवाल पर चलते हैं और सवाल पर समझ के इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि यदि इस वाले आपसे पूछा जाता कि इस वाले मतलब आकृति का या इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको इसकी त्रिज्या पता होना चाहिए, त्रिज्या कितनी होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी स्मॉल आर जो होगा, आर बटे कितना होगा, 3, इसकी जो त्रिज्या हो कितनी है, 27, तो 27 बटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 27/3, 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि R का वैल्यूज जो होगी वो 9 होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि जो एरिया हो जाएगा वो होगा पाई R स्क्वायर। अब आप देखेंगे पाई इंटू R की वैल्यूज कितनी है, 9 का वर्ग, अर्थात कहने का मतलब है 81 क्या हो जाएगा, पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।